हेलो दोस्तों, आर्यंस अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुताहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो कहानियां लेकर आया हूं। आज की पहली कहानी हमें भेजी है तन्मय जी ने, और ये कहानी मतलब जो घटना है वो उनके भाई के साथ हुए एक बहुत ही खौफनाक अनुभव के बारे में है। तो चलिए मैं आपको उनके भाई की आपबीती उन्हीं की जुबानी सुनाता हूं। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। कहते हैं कि अमावस की रात सबसे खौफनाक रात होती है। ऐसी रात में बुरी ताकतें जैसे आत्मा, पिशाच, भूत प्रेत, ये जो भी है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। पर जहां तक मैं समझता हूं, सभी आत्माएं बुरी नहीं होती। सभी आत्माएं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहती, और उनमें भी जो बुरी आत्माएं होती है वो भी दो तरह की होती है। मतलब एक वो जो आपको सीधे सीधे हानि पहुंचाती है, और दूसरी वो जो आपको हानि पहुंचाना तो चाहती है पर शायद उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपको हानि पहुंचा सके या फिर आपका नुकसान कर सके। तो ऐसी आत्माएं अक्सर कोई छलावा या भ्रम पैदा करती है, आपको डराती है। जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे के साथ खेलती है, उस तरह से ये इंसानों के साथ खेलती है। और अगर आप कमजोर हुए तो फिर इस खेल में आपकी जान चली जाती है। पर अगर आप समझदार हुए, जानकार हुए, या फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप उनके चंगुल से बच जाते हैं। शायद उस रात मेरी किस्मत अच्छी थी। उन दिनों मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। साल 1993, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उस बीच किसी त्योहार के कारण हमारे स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मैं उसी दोपहर स्कूल से घर के लिए रवाना हो गया। मेरे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं था। एक कपड़े का थैला था और उसमें बस एक जोड़ी कपड़े थे। एक सरकारी बस से 3 घंटे का सफर कर मैं अपने गांव के रास्ते पर उतर गया। जब मैं बस में था तभी सूरज डूबना शुरू हो गया था, और जब मैं बस से उतरा था तब अंधेरा पड़ चुका था। वक्त का मुझे पता नहीं था क्योंकि उन दिनों मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी। लेकिन एक बात थी जिससे हमें वक्त का अंदाजा लग जाता था। गांव इलाकों में 7 बजे से पहले ही सभी दुकानें वगैरह बंद हो जाती थी। तो जैसे ही मैं उतरा, मैं इतना तो समझ गया था कि वक्त 7 के आगे निकल चुका है। उतरते ही मैं सीधे अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उस जगह से मेरा गांव करीबन 2 मील दूर था, मतलब मुझे 2 मील तक चलकर जाना था। अब अजीब बात यह थी कि आसमान में चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे आसपास बहुत घना अंधेरा था। रास्ता भी ठीक से मुझे नजर नहीं आ रहा था। उस घने अंधेरे में दूर घरों से दिखाई दे रही रोशनी में मैं रास्ते को टटोलते हुए बस आगे आगे बढ़ रहा था। कुछ 20-25 मिनट बाद अचानक से मुझे मेरे सामने रास्ते पर कोई नजर आने लगा। वो मुझसे तब काफी दूर था पर मैं उन्हें देख पा रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर मैंने देखा कि वो 2 लड़कियां थी जो कि रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। देखने से उनकी उम्र मेरी जितनी ही लग रही थी। मैं बिना कोई आवाज किए चुपचाप उनके पास से गुजरने लगा कि तभी उन्होंने मुझे आवाज दी और कहा, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, यहां से वापस चले जाओ। पहले तो मुझे उनकी बात अजीब लगी। लगा कि इतनी रात को ऐसे घने अंधेरे में और वो भी रास्ते के बीचों बीच कौन लड़कियां खड़ी रहती है। फिर भी मैं अपनी जगह पर रुक गया। मुझे लगा कि वो लड़कियां शायद गुम हो गई होगी या फिर रास्ता भटक गई होंगी। मैंने उनके पास जाकर पूछा, कौन हो आप और किस गांव से हो? उन्होंने फिर वही कहा, आगे मत जाओ, यहां से वापस चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा गांव बस थोड़ी ही दूर है और मैं रास्ता जानता हूं। वो दोनों जुड़वा थी, बिल्कुल एक जैसी। मैंने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गई?
उन्होंने फिर भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी वही बात दोहराई, यहां से वापस चले जाओ। इस बार मुझे और भी अजीब लगा, वहां आसपास से कहीं से मांस जलने की बदबू आ रही थी। अब की बार मैं उनकी बात की तरफ ध्यान दिए बिना तेजी से आगे चलने लगा। कुछ कदम आगे जाने के बाद मेरा पीछे देखने का मन हुआ। वैसे मैं पीछे मुड़कर देखना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी अजीब हरकत से मैं थोड़ा डरा हुआ था, पर फिर भी मैंने नजर चुराकर आहिस्ता से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। देखा तो वो दोनों लड़कियां वहां से गायब हो चुकी थी। वो देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं और तेज चलने लगा। फिर चलते चलते अचानक मुझे रास्ते में मेरे ही आगे तीन औरतें चलती हुई दिखाई दी। वो तीनों औरतें भी पूरे रास्ते को घेर कर चल रही थी। तीनों सफेद साड़ी पहनी हुई थी और पल्लू से उनका सर ढका हुआ था। उनको देख मेरा स्पीड अपने आप कम हो गया। सोचा कि अब ये क्या बला है। वो तीनों औरतें बहुत ही धीरे से चल रही थी, इतना धीरे कि जब मैं तीन चार कदम चलता तब कहीं वो बस एक कदम आगे बढ़ती थी। मैं उनसे थोड़ी अंतर पर उनके ही गति से चलने लगा, लेकिन तब भी मैं बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था, क्योंकि अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। हैरानी वाली बात यह थी कि रात बहुत घनी अंधेरी थी, पर फिर भी मैं उन सबको देख पा रहा था। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया, मैं मन ही मन में बहुत डर गया था। पीछे दो लड़कियां थी और आगे ये तीन औरतें। वो कौन थी वो तक मुझे पता नहीं था। लगा कि कहीं ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि और तेज चलता हूं और उनके बाजू से आगे निकल जाता हूं। मैंने फिर एक बार पहले से भी तेज चलना शुरू किया और फिर रास्ते से हटकर उनके एक तरफ से आगे निकल गया। जैसे ही मैं कुछ कदम उनसे आगे बढ़ा, मुझे उनमें से किसी औरत की एक धीमी सी हंसी सुनाई पड़ी। मैंने सोचा कहीं वो औरतें हमारे गांव की तो नहीं, इसलिए मैंने मुड़कर पीछे देखा। उन्हें देख मेरी जान मेरे हलक में आ गई। उन तीनों के चेहरे ठीक एक जैसे थे। उनके चेहरे पर उनके आंखों तक फैलती हुई एक बड़ी सी मुस्कान थी और वो अपनी भयानक सफेद आंखों से मुझे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। वो देख मेरा शरीर सुन्न हो गया, शरीर पर हर तरफ रोंगटे खड़े हो गए। उनका वो भयानक सा चेहरा देख मैं तेजी से भागने लगा। वो रास्ता किस तरफ जा रहा था और मैं किस तरफ भाग रहा था वो तक मुझे पता नहीं था। उस वक्त मैं बस सामने दिखाई दे रही रोशनी की तरफ दौड़ता रहा। मेरी सांस फूल गई थी, फिर भी मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। फिर कुछ आगे जाकर मैं किसी चीज से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। अंगूठे को बहुत जोर की चोट लगी थी, बहुत दर्द हो रहा था। मेरी चप्पल भी टूट गई थी, पर दर्द से ज्यादा मुझ में डर भरा पड़ा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे लगा कि मैं उन औरतों को काफी पीछे छोड़ आया हूं। फिर भी तसल्ली के लिए मैंने अपने पीछे देखा। मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने अपना दर्द कम करने के लिए किसी तरह अपने पैर को दबा कर रखा और फिर से सामने की तरफ मुड़ा। सामने देख फिर एक बार मेरा दिमाग सुन्न रह गया। अब वो तीनों औरतें मेरे सामने थी और मेरी ही तरफ बढ़ रही थी। ठीक वही सफेद कपड़े, वही सफेद आंखें और चेहरे पर एक भयानक फैली हुई मुस्कान। उन्हें मेरी तरफ आता देख मैं फिर से उठकर दौड़ने लगा। अब मैं पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा था। आगे दूर कहीं एक आग की रोशनी दिखाई दे रही थी। लगा कि वहां कोई मदद के लिए मिल जाएगा। मैं बस दौड़ता रहा, पर कुछ दूर आगे जाने पर महसूस हुआ कि वहां कोई घर नहीं था, वहां वो कोई आग नहीं थी, बल्कि वो श्मशान था और वो चिता जल रही थी। वो श्मशान की आग थी। जाने अनजाने में मैं जिस रास्ते पर दौड़ रहा था वो एक श्मशान का रास्ता था। मैं अब लगभग रोने लगा था। मुझे फिर कहीं से उन औरतों की हंसी सुनाई दी। जैसे मैं उनके जाल में फंस गया था। और तभी
तभी मुझे मेरे सामने फिर से वो दो लड़कियां धुंधली रोशनी से चमकती हुई दिखाई देने लगी। हमने कहा था आगे मत जाओ, आगे खतरा है। उनसे कुछ कहने के लिए भी मैं अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं इतना डरा हुआ था कि बोलने के बजाय मेरे बस होंठ थरथरा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर पसीने से लबालब हो चुका था और मैं फिर से पड़े पड़े दर से कराह रहा था। फिर उन दोनों ने भी अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अपनी तरफ आने का इशारा किया, चलो हमारे साथ। पता नहीं था कि वो लड़कियां कौन थी, पर उनकी बातों में मुझे भरोसा होने लगा था, एक तरह का विश्वास था। मैं बिना कुछ सोचे उनके पीछे दौड़ने लगा। वो लड़कियां बहुत तेज थी, वो भाग नहीं रही थी, हवा में लहराते हुए जा रही थी। काफी दूर आगे जाने के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गई। मैं फिर एक बार घबराकर वहीं पर रुक गया, पर जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां थोड़ी ही दूर बहुत सारे घरों से बाहर आती रोशनी नजर आने लगी। मतलब मैं अपने गांव के पास था। मैं फिर भी भागता हुआ घर तक चला गया, पर मेरे पीछे जो भी चीज थी उसने घर तक मेरा पीछा किया था। मैं जैसे ही घर के पास पहुंचा, मैंने देखा कि तीन सफेद बिल्लियां मेरे घर के सामने घर के दरवाजे में बैठी हुई है, और फिर मुझे देखकर वो बहुत ही अजीब सी आवाज में रोने लगी। वो आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई इंसान किसी के मातम पर रोता है। मेरी हालत और भी खराब हो गई। उन तीनों बिल्लियों में मुझे वो तीन चुड़ैले नजर आ रही थी। घर में किसी को आवाज देने तक की मुझमें हिम्मत नहीं थी, पर मेरी किस्मत ने एक बार फिर से मेरा साथ दिया और उसी वक्त बाबा एक डंडा लेकर घर से बाहर आ गए और उन बिल्लियों को हटकने लगे। हट हट हट, एक तो अमावस की रात है और ये हमारे ही दरवाजे के आगे रो रही है। पिताजी के हटकते ही वो सारी बिल्लियां यहां वहां भाग गई और तब पिताजी का ध्यान मेरी तरफ गया। मेरी हालत देख वो दौड़कर ही मेरे पास आ गए। क्या हुआ तुझे, तू यहां क्यों रुका हुआ है? उन्होंने मुझे छू कर देखा। तू इतना क्यों कांप रहा है, क्या हुआ है तेरे साथ? जैसे ही उन्होंने मुझे छू कर देखा, मैं चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। उस वक्त मेरा शरीर ऐसे झटक रहा था जैसे मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा हो, और उसी के साथ मैं बेहोश हो गया। मुझे तीन दिन बाद ठीक से होश आया, और तीन दिन बाद मुझे पता चला कि मैं जब भी होश में आता था मुझे कुछ ही पल में फिर से दौरा पड़ता था और फिर से मैं बेहोश हो जाता था। दूसरे दिन बाबा को शक हुआ कि मैं शायद बीमार नहीं हूं, मुझे कोई ऊपरी बाधा हुई है, क्योंकि जिस रात मैं घर आ रहा था उसी रात अमावस की रात थी। ठीक होने के बाद मैंने पिताजी को उन दो लड़कियों की आत्मा के बारे में भी बताया, लेकिन उन्हें उन दो आत्माओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और मुझे भी उनके बारे में कभी कुछ पता नहीं चला कि वो दो लड़कियां कौन थी और उन्होंने मेरी जान क्यों बचाई थी। दोस्तों, क्या कभी आपने अमावस की रात ऐसा कुछ भी अजीब महसूस किया है, या फिर आपके पास ऐसा कोई डरावना किस्सा है? अगर आपके पास ऐसा ही कोई किस्सा है, कोई कहानी है, तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए अब हम आगे दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी, तब वो कोकन इलाके में ड्यूटी पर था। तो चलिए अब आगे की कहानी मैं मेरे दोस्त की ही जुबानी सुनाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश साठे है और ये घटना उस वक्त की है जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा पड़ा था। ये मेरी एक आप बीती है। लॉकडाउन के दौरान मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया भर में सख्त निर्बंध लादे गए थे, और ये घटना जिस जगह की है वो जगह कोकन में है, लेकिन मैं आपको उस जगह का नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं पुलिस में हूं और शायद ऐसा करना रूल्स के खिलाफ होगा। तो मैं आपको बस वो घटना सुनाता हूं। उस रात मेरी ड्यूटी पुलिस स्टेशन में लगी थी। फिर बीच रात मैं अपने साथी सहयोगी राजेश्वर के साथ आसपास के इलाके में गश्त लगाने चला गया। हम दोनों भी उस रात बाइक पर से जा रहे थे। उन दिनों बस वो इलाका ही नहीं, पूरी दुनिया शांत थी। ऐसा लग रहा था
मानो हम आज के आधुनिक तकनीक के साथ हजारों साल पीछे चले गए हो। हमारे पुलिस स्टेशन के दायरे में पास का ही एक समुन्दर का किनारा भी था, जहां पर किनारे को लगकर थोड़ा पेड़ों से भरा हुआ एक इलाका था। ज्यादा घना तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था, और वहीं थोड़ी दूर कुछ लोगों की बस्ती थी। हम वहां पर यह देखने चले जाते थे कि कहीं वहां के लोग उस समुन्दर के किनारे पर टहल तो नहीं रहे। तो हम हमेशा की तरह वहां के घने रास्ते से होते हुए किनारे तक पहुंच गए। गाड़ी को रास्ते पर खड़ा कर हम चलकर ही किनारे से होकर आगे चले गए। लॉकडाउन के कारण आसपास सब कुछ बहुत शांत और आरामदायक था। हम दोनों भी दूर किनारे पर खड़े होकर उस समुन्दर को निहार रहे थे। वहां की शांति का और वहां की बहती ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे कि तभी राजेश्वर को सामने कुछ दिखाई दिया और वो अपनी जगह पर ही रुक गया। उसने मेरे हाथ को पकड़कर मुझे भी रोका। राजेश्वर तब सामने किसी चीज की तरफ गौर से देख रहा था। फिर उसने अपनी पास की दूरबीन से समंदर की ओर देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ, कोई समंदर में चला गया है क्या? उसने कुछ देर देखते हुए कहा, आगे पानी के पास मुझे कुछ हलचल दिखाई दी, कुछ बहुत बड़ा जानवर या ऐसा ही कुछ, या फिर शायद कोई हमें देखकर छुपने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ से दूरबीन लेकर मैं भी सामने देखने लगा। वहां कुछ तो था जो किसी बड़े से पत्थर जैसा गोल मटोल था, किसी बड़े आलू जैसा, या फिर कोई बड़ा सा समुद्री जानवर। और तब मैंने राजेश्वर से कहा, चल थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। मैंने झट से अपने पास की टॉर्च ऑन की और हम वहां की गीली रेत से होते हुए आगे पानी तक चले गए। वहां पानी के बाहर एक भरी हुई बोरी पड़ी हुई थी, बहुत बड़ी, जैसे किसी बड़ी सी चीज को दबा दबा कर उसमें भरा गया हो। राजेश्वर ने उस बोरे का बड़ा आकार देखते हुए कहा, क्या हो सकता है इसमें? हम दोनों को भी शक था कि उसमें कोई लाश होगी। मैंने डंडे से उस बोरी को दबाकर देखा और कहा, पता नहीं, पर कुछ ठोस या नरम जैसा कुछ है। तब राजेश्वर ने भी अपने पास के डंडे से उस बोरी को दबाकर देखा, कहीं इसमें किसी की लाश तो नहीं? उसने मेरी मन की बात जान ली थी, पर उसकी बात सुनकर मैंने भी फिर डंडे से उस बोरी को 3-4 बार अलग अलग जगह पर दबा कर देखा। लग तो ऐसा ही कुछ रहा है। हम दोनों फिर उस बोरी को चारों तरफ से देखने लगे कि कहीं उस पर कोई खून या कोई निशान तो नहीं, पर उस बोरे पर वैसा कुछ भी नहीं था। जिस तरह से वो बोरा फूला हुआ था, लग तो यही रहा था कि उसमें कोई लाश है, और वो लाश पानी में फूल कर बोरे के साथ पानी से बाहर आ गई है। राजेश्वर ने थोड़ी हिम्मत कर उस बोरे को हर तरफ से कान लगाकर सूंघकर देखने की कोशिश की कि उसमें क्या हो सकता है। फिर उठकर खड़े होते हुए उसने कहा, जहां तक मेरा अंदाजा है इसमें लाश ही है। मैंने भी थोड़ा ऊपरी ऊपर टटोलते हुए कहा, फिर तो हमें कंट्रोल को रिपोर्ट करना चाहिए। राजेश्वर ने मेरे चेहरे पर बैटरी का प्रकाश फेंकते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले खुद तो तसल्ली कर ले। और उसने उस बोरे को खींचकर पानी से दूर ले जाने की कोशिश की। उससे वो बोरा थोड़ा भी नहीं हिला, तो उसने मुझे खींचने का इशारा किया। फिर हम दोनों भी उस बोरे को खींचते हुए लहरों से दूर लेकर चले गए। वैसे वो जो भी था बहुत ही भारी था। कुछ 20 कदम दूर जाने में ही हमारी जान निकल गई। राजेश्वर ने फिर उसे एक नजर टटोल कर देखा। अब तक हमें इतना तो यकीन हो गया था कि उस बोरे में जो कुछ है वो या तो सजीव नहीं है, और अगर सजीव है तो वो जिंदा नहीं है, क्योंकि इतनी देर में उसमें जरा सी भी हलचल नहीं हुई थी। फिर मैंने अपने पास की कटर को राजेश्वर के हाथ में थमा दिया। उसने कटर के सहारे बोरे को ऊपरी ऊपर उधेड़ना शुरू किया। उस दौरान बोरा एकदम से खुल गया और बोरे के अंदर से फूला हुआ आधा शरीर भग से बाहर निकल आया। हम दोनों भी घबरा कर पीछे हट गए। एक बहुत ही तेज गंदी बदबू हमारे नाक में चली गई। उस लाश के दोनों हाथ छाती की तरफ थे, आंखें बंद थी, चेहरा और नाक एकदम सीधी थी। लाश का बाकी आधा शरीर बोरे के अंदर ही था। राजेश्वर ने उस लाश के हाथ को हल्के से छू कर देखा, फिर उसकी नाक की तरफ कान लगाकर और छाती की तरफ छूकर कुछ जानने की कोशिश की। उसके शरीर में कोई आवाज
कोई हरकत नहीं थी। थोड़ी बहुत जांच करने के बाद उसने कहा, यह तो कब का मर चुका है। मैंने भी टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा देखते हुए कहा, हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, क्राइम सीन है, कुछ यहां वहां हो गया तो निशान मिट जाएंगे। राजेश और बात को समझकर गाड़ी के पास गया और वहां से वायरलेस फोन से उसने कंट्रोल रूम को खबर कर दी। हम जिस जगह पर थे वहां हमारे मोबाइल को रेंज नहीं थी। रेंज के लिए हमें वहां से थोड़ा रास्ते की तरफ जाना पड़ता था। फिर भी थोड़ी बहुत रेंज मिलने पर मैंने पुलिस थाने में फोन मिलाया। तब हमें पता चला कि स्टेशन से बाकी सभी लोग आसपास के इलाके में गश्त लगाने चले गए हैं। उस वक्त थाने में बस एक ही हवालदार था। अब उन दिनों लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर पुलिस वाले बाहर ही थे। बहुत से लोग तो इमरजेंसी ड्यूटी पर लगा दिए गए थे और इसलिए वहां जल्दी से किसी के आने की हमें उम्मीद नहीं थी। हम दोनों भी सोचने लगे कि अब आगे क्या करें। हम दोनों ने भी अपने अपने मोबाइल निकालकर उस लाश की और उस लाश के आसपास की कुछ तस्वीरें लेना शुरू किया। फिर करीब करीब आधे घंटे बाद हमें फिर से एक कॉल आ गई। मुझे पुलिस स्टेशन से खबर दी गई कि कुछ दो घंटे में एक एम्बुलेंस और क्राइम सीन की जांच के लिए अन्य सहायता आ जाएगी। उस खबर से हमें थोड़ी राहत महसूस हुई, इसलिए बाकी सब कुछ छोड़कर राजेश और मैं वहीं पर निगरानी करते बैठ गए। उस वक्त रात का 1 बज रहा था, मतलब अब हमें सुबह के 4 या फिर 5 बजे तक वहीं रुकना था, क्योंकि हमारे यहां जब कोई 2 घंटा बताता है तो उसका मतलब 4 से 5 घंटे होता है। हमें बस उनके आने का इंतजार करना था। काफी देर बैठे रहने के बाद हम दोनों को भी नींद आने लगी थी। राजेश्वर बार बार आंखों को मसल रहा था तो मैंने उससे कहा कि अगर तुझे नींद आ रही है तो तू थोड़ा दूर सूखी रेत में जाकर क्यों नहीं सो जाता, मैं बाद में तुझे जगा दूंगा। मेरे इतना कहते ही उसने अपनी जेब से पेपर निकाला और उसे मुझसे थोड़ी दूर रेत में बिछाते हुए वो उस पर लेट गया। अब मैं अकेला ही वहां उस शांत जगह पर जाग रहा था। मेरे सामने वो बोरा और उसमें से आधी बाहर निकली लाश पड़ी हुई थी। आसपास से झिंगोरों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। वैसे वो जंगल इलाका तो नहीं था, लेकिन वो जगह इतनी सुनसान थी कि वहां के सन्नाटे से कोई भी डर जाए। काफी देर वहां बैठे रहने के कारण आंखों को अंधेरे की आदत पड़ चुकी थी और इसलिए आसपास के अंधेरे में कुछ कुछ नजर आने लगा था। टॉर्च चालू रहने के कारण उसकी रोशनी भी कम हो गई थी। आसमान में चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहां बैठे बैठे कुछ आधे घंटे तक निगरानी करने के बाद मेरी भी आंखें झपकनी शुरू हो गई। उस वक्त मैंने देखा कि दूर समंदर के पानी में कुछ चमक रहा था। मैंने बैठे बैठे ही वहां से दूर अंधेरे में देखने की कोशिश की कि तभी उस लाश में किसी तरह की हरकत हुई। मैं थोड़ा चौकन्ना होकर संभल कर बैठ गया। मैंने टॉर्च की कम रोशनी उस तरफ मारते हुए गौर से देखने की कोशिश की। उस लाश की गर्दन हिल रही थी। वो देख मेरे होश उड़ गए। मैं सरकते हुए थोड़ा पीछे जाने लगा और फिर मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले ही वो लाश बोरे से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। वो देख मैं काफी घबरा गया और मैं घबरा कर अपने साथियों को आवाज देने लगा, राजेश्वर, राजेश्वर। वो लाश कुछ पल के लिए ऐसे ही खड़ी रही और फिर अपनी जगह से वो आगे जाती हुए लहरों से होकर पानी के अंदर जाने लगी। वो सब देखकर मैं बहुत शॉक हो गया था। डर के मारे मैं वहां की रेत को उठाकर अपने साथी को फेंक कर मार रहा था। तब राजेश्वर हड़बड़ाकर उठ गया और मेरे पास आ गया। मेरे कंधे को पकड़ते उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है। मैंने उसे समंदर में जाती उस लाश की तरफ इशारा किया। उसने सबसे पहले तो बोरे को देखा, बोरा खाली पड़ा था, और फिर उसने सामने देखा। सामने वो लाश समंदर की लहरों के बीच से पानी के अंदर जा रही थी। उसने वहां से दौड़ते हुए उस लाश को आवाज देते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस लाश को हमारी आवाज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हम दोनों दौड़कर वहां तक जाते तब तक वो लाश चलते हुए पानी के काफी अंदर तक चली गई थी। वो पूरी तरह से डूब चुकी थी और हम दोनों लहरों से दूर खड़े होकर बस वो देखते रह गए।
कुछ एक मिनट में वहां से सब कुछ गायब हो गया। अभी कुछ देर पहले जो लाश हमारे सामने पड़ी थी, वो लाश हमारे आंखों के सामने से चलते हुए समंदर के पानी के अंदर चली गई थी। हम वो सब देख ही रहे थे कि तभी पीछे से दो गाड़ियां हमारी तरफ आ गई। उसमें से एक एम्बुलेंस थी तो दूसरी गाड़ी में हमारे साथ वाले पुलिस के लोग आ रहे थे। उनके वहां आने पर राजेश्वर और मैंने, हम दोनों ने वहां जो भी देखा था वो उन्हें सब बताया, पर वहां पर कुछ न पाकर वो सब हमें चिढ़ाने लगे। हमने उन्हें कहा कि वो लाश एक बोरे में थी, लेकिन सच तो ये था कि वहां से वो बोरा भी गायब हो चुका था। फिर हमें याद आया कि हमने उस लाश की कुछ तस्वीरें ली थी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि हमारे मोबाइल में लाश की एक भी तस्वीर नहीं थी। सारी तस्वीरों में बस रेत ही रेत थी। उस वक्त हम दोनों का भी बहुत मजाक उड़ाया गया। वैसे उस बात पर कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि जांच करने के लिए वहां कुछ भी नहीं था और न ही अगले कुछ दिनों में किसी के गुम हो जाने की कोई कंप्लेंट हुई थी, तो इसलिए उस चीज को ढूंढना भी बेकार था। तब कुछ दिनों बाद हमारे एक साथी ने मुझे बताया कि जिस रात हम वहां गश्त लगा रहे थे वो अमावस की रात थी, और अमावस की रात ऐसा कोई बुरा अनुभव होना कोई अजीब बात नहीं है। हमारे पास कोई सबूत नहीं था, कोई चीज नहीं थी कि जिससे हम साबित कर सके कि हमने एक जिंदा लाश को देखा था और वो लाश हमारे आंखों के सामने से चलती हुई पानी में गायब हो गई थी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये दोनों कहानियां कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।